हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार राइड विथ यूडी के एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ ग्वारी घाट माँ नर्मदा जी के दर्शन करवाने। और ग्वारी घाट जबलपुर के लोगों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है और कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत ही माँ नर्मदा जी के दर्शन से करते हैं। अब जबलपुर के लोगों में थोड़ी ट्रैफिक सेंस आ चुकी है। ये लोग कभी नहीं सुधार सकते। हम पहुंच चुके हैं शास्त्री ब्रिज, जिसका नाम इंडिया के पुराने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के ऊपर रखा गया है। और इस ब्रिज के दोनों साइड वॉल पे आप काफी सारी पेंटिंग देख सकते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं ग्वारी घाट और शाम के टाइम ये काफी सुंदर लगता है। ये माइग्रेटिंग बर्ड्स ठंड में ग्वारी घाट की सुंदरता और बढ़ा देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब इन पक्षियों की ओरिजिन प्लेस का पानी ठंड के कारण बर्फ बन जाता है और खाने की कमी होने लगती है, तब ये पक्षी गर्म जगह की खोज करते करते यहाँ आ जाते हैं। ये नर्मदा जी का मंदिर है जो कि नदी के बीच में बना हुआ है। इंडिया में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और जिसका ओरिजिन अमरकंटक है, जो कि हमारे जबलपुर से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह गंगा जी में नहाने से पुण्य मिलता है, उसी तरह नर्मदा जी के बस दर्शन कर लेने से इंसानों के कष्टों का अंत हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, जो कि घाट के दूसरी ओर है। ये हम पहुंच चुके हैं ग्वारी घाट गुरुद्वारा। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि गुरु नानक जी ने अपने संदेश फैलाने के लिए चार यात्राएं की थी, जिसे उदासीस भी कहते हैं, जो उन्होंने पंजाब से चार अलग अलग डायरेक्शन में की थी। अपनी पहली उदासी के दौरान गुरु नानक जी और उनके साथी मर्दाना नर्मदा नदी के किनारे पर चलते गए। जब वो अभी बने इस गुरुद्वारे की जगह पहुंचे, तब उन्होंने यहीं से नदी को पार किया था। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद अब हम वापस घाट आ चुके हैं, क्योंकि अब शाम की आरती का समय हो चुका है और जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।
Thank you.
देहराकं महिमानहं प्रजंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम मेघदूताय च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजं पदपाटलादे ुलसीदनमञ्जरी त्वां पूजयाम जगदीश्वरि मे जीरो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादृष्टो ग्रहाणपर्वेश्वरि ही नर्मदा दिव्यै नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओर्से नर्मदा मैया गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम सबको मिलकर ये सब रोकना ही होगा। ट्रैफिक की मैं कितनी ही तारीफ करूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इधर फोर व्हीलर से ना ही आएं, और आएं तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें।